स्कूल स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। लास्ट टॉपिक था, हमने पढ़ा था कि डिफाइन केमिकल फार्मूला एंड हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। उसी पेज पे देखें, एक इस तरह का फ्लावर सा बना हुआ है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि कोई भी कंपाउंड हो तो उसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी अहमियत क्या है, उसका उसका फायदा क्या है, किसी कंपाउंड के फार्मूला को लिखने का क्या फायदा है। तो बुक में तो ये जो है फ्लावर की शक्ल में बना हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, फ्लावर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि हम मुख्तलिफ कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसकी अहमियत क्या है, उसका क्या फायदा होता है। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जिसमें हम पहले देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला हो तो इससे हमें उस कंपाउंड का नाम का पता चल जाएगा। जैसे H2O लिखो तो ये भी एक फार्मूला है कंपाउंड का, तो H2O को देख कर हम इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं कि ये वाटर का फार्मूला है। इस तरह अगर NaCl लिखा हुआ हो तो NaCl ये केमिकल फार्मूला है, तो NaCl को देख के हम इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है, यानी कि कॉमन साल्ट का जो हम नमक खाते हैं घरों में। तो इस तरह पहला पॉइंट था, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि फार्मूला जो होता है फार्मूला को देख के हम उस कंपाउंड का, उस शय का नाम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है फार्मूला जो है फलां कंपाउंड का है। दूसरा पॉइंट देखें तो इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड जो में मौजूद तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे तो हम उन एलिमेंट्स को भी पहचान सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं। जैसे ये पानी का फार्मूला है H2O, तो इसमें हम पानी के फार्मूले में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके हम नाम बता सकते हैं। जैसे कि H जो है ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, O जो है वो ऑक्सीजन एलिमेंट को शो करता है। इसमें अगर NaCl हो तो इससे हम इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के नाम बता सकते हैं। जैसे Na सोडियम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और Cl जो है वो क्लोरीन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा पार्ट यही था, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ये कंपाउंड में मौजूद जो जो एलिमेंट्स होंगे उनका नाम का भी हमें पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इट इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन amu और ग्राम्स। हाँ जी, ये दो यूनिट्स हैं किसी भी कंपाउंड के मास को मेजर करते हैं हम amu में भी, एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिंपली जो है ग्राम्स के अंदर भी। क्या हम उस कंपाउंड के फार्मूला अगर हमारे सामने होगा तो हम उस पूरे कंपाउंड का मास बता सकते हैं कि पूरा कंपाउंड कितना भारी है। अगर ये H2O यानी कि पानी का फार्मूला हमारे सामने हो तो हमें पता है कि एक जो है वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का मास एक होता है, दो एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दो हो जाएगा, टू ऑन द टू प्लस। इस तरह ऑक्सीजन का एक एटम है तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 16, इस तरह 16 प्लस टू तो ये 18 हो गया, यानी कि पानी के एक मॉलिक्यूल के मास 18 amu में भी लिखा जा सकता है, एटॉमिक मास यूनिट या फिर 18 जो है वो ग्राम्स के अंदर भी। तो किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला हमारे सामने होगा तो हम उस कंपाउंड के
one molecule or the formula unit of the compound. के असल में आपको पता है कि compound दो तरह से होते हैं, आयनिक compound भी होते हैं और covalent compound भी होते हैं. तो आयनिक compound के formula को हम formula unit कहते हैं, जबकि जो covalent compound होंगे वो उसके formula को हम molecule formula कहते हैं. और covalent compound का जो formula होगा उसके एक molecule को represent करना होगा. तो it is in fact, तो ये कोई भी compound हमारे सामने हो तो वो compound जो का जो formula होगा जैसे H2O है, तो ये पानी जो एक compound है तो ये H2O उसके एक unit या एक molecule का formula है. इस तरह सोडियम क्लोराइड नमक है तो NaCl सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट का फार्मूला है. ठीक है जी, इस फार्मूले से हम हमारे सामने हो किसी कंपाउंड का फार्मूला हमारे सामने हो तो वो फार्मूला असल में उनके एक मालिक्यूल, अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तब एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है वो कीमिया फार्मूला. पांचवा पॉइंट है इसका कि हम कीमिया फार्मूले से कि और क्या फायदा हो सकता है. इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वन मोर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एंड यू कैन टू इक्वेशन देखेंगे जिसमें जो है हम कहते हैं कि ये दो अशिया हैं ये कंबाइन हो रही हैं, तो कंबाइन होने वाली अशिया आपको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. ये अशिया मिलने वाली हैं और इनके मिलने से जो चीज बन जाती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ये चीजें कंबाइन हो रही है और ये चीज बन रही है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जिस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. ठीक है जी, तो ये केमिकल इक्वेशन है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एरो हेड है इसकी डायरेक्शन भी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ होती है. किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है हमने बैलेंस भी करना होता है कि एरो के दोनों तरफ इनके जो एटम्स हैं उनकी तादाद को इक्वल कर दें. तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शन के दो एटम है और यहाँ पे ऑप्शन के एक एटम है, तो इस तरह भी हमने ऑप्शन के दो एटम करने हैं. तो यहाँ इस कंपाउंड के शुरू में अगर हम दो लगा देते हैं तो इस ये दो लगाने से ऑक्सीजन के दो एटम हो जाएंगे. इस तरह ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के एटम की तादाद बराबर हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन के ये चार एटम हो जाएंगे 2 to the 4. इस तरह फिर हमें हाइड्रोजन के दो एटम रखने होंगे, तो यहाँ पर हम दो खुद से लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन के भी चार एटम हो जाए. इस तरह ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है. किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हमने हिंट से खुद लगाएंगे, देखिए जब हम दो खुद लगे हैं यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो एक होगा वन, ये हमने दो खुद लगे हैं तो ये हम कोफिशिएंट कहते हैं. यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो डिजिट हम उनको इजाफा करेंगे उनको कोफिशिएंट कहा जाता है. तो यही कोफिशिएंट जो है असल में जो है मोल्स की तादाद को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पानी जब हम बनाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा यूं कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने दो खुद लगाए थे, जिसका मतलब है कि पानी बनाते हुए हाइड्रोजन के दो मोल यूज होंगे. इस तरह ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो वन होगा, यानी कि ऑक्सीजन का एक मोल इस्तेमाल हुआ. इस तरह पानी क्या है वो कितना बना, दो मोल बना. ये वह डिजिट नहीं हमने इंक्लूड करने जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि शुरू वाले जो हिस्से जो हमने खुद लगाए हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी, तो ये कीमिया फार्मूले का यह फायदा है कि सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने उनके फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है कि मिलियन रेशियो है, इनके बनने से जो पानी बना है तो
उसको भी हमने H2O यानी कि फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है और फिर हमने इनको इक्वेशन को बैलेंस भी किया है और बैलेंस करने से और फार्मूले की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि इन रिएक्टेंट्स के कितने कितने मोल हमने मिलाए हैं और इनके मिलने से प्रोडक्ट्स के जो है वो कितने मोल हमें हासिल हुए हैं। तो ये जो कि भी फार्मूला है उसकी अहमियत के जो पांच पॉइंट है